आज संडे है और आज तो वीडियो आना लाजमी ही था क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है जितना हो सकेगा जितनी कोशिश मैं करूंगी और भगवान करे मेरे हमेशा यही कोशिश मेरी हमेशा कामयाब रहे कि मैं हर संडे को एक वीडियो अपलोड करूं। और आज भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं। एक्चुअली मैं आज लाइव आना चाहती थी बट नेट काम नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो तो अपलोड की करनी ही है, चलो करती ही हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है बस बहुत हो गया। बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बस हाँ ये है कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बस बहुत हो गया। अब क्या हो गया वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरा टॉपिक है वो बहुत सीरियस है, अगर ध्यान से सुना जाए और ध्यान से समझा जाए, खासकर उन लेडीज के लिए जो जॉब करती हैं बैंक में, आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर वो नेवी में हैं, या फिर वो एमएनसीज में काम कर रही हैं, दूसरे देश की कंपनीज के लिए काम कर रही हैं, उन लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। और महिलाएं जो घर में रहती हैं, गृहिणियां हैं, जो होम मेकर हैं, जो हाउस वाइव्स हैं, उनके लिए भी मेरा वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए लास्ट तक और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो। खैर मेरा वीडियो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। बस बहुत हो गया, क्या हो गया बहुत, क्या होता है जो लेडीज जॉब कर रही हैं वो क्या करती हैं? अगर शादी से पहले आप जॉब कर रही हैं और फिर शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर बेबी हुआ, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, और अगर उसके बाद भी अगर आप जॉब कर रही हैं, ये वीडियो उन लेडीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो जो मैं अगली लाइन बोलूंगी। वो लेडीज क्या करती हैं, वो लेडीज यही करती हैं कि ठीक है यार, चल जॉब चल रही है ना, अच्छी भरी सैलरी आ रही है ना, ठीक है, और मेरी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, आई एम सेटिस्फाई विद माई जॉब। बहुत सारी फीमेल्स की यही धारणा होती है कि हाँ ठीक है, और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं ठीक है मेरे को अपनी कंपनी भी चेंज करनी है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन नए नए आइडियाज जनरेट बेशक से माइंड में होते हो लेकिन उस पर वो अप्लाई नहीं करती। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी लेडीज से, ऐसी फीमेल से जो इतनी करियर ओरिएंटेड हैं, जो दुनिया को दिखाती हैं आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, लेकिन अप्लाई कुछ भी नहीं करती, आगे बढ़ने की कोशिश तक नहीं करती। आगे तो वो है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है उस बंदे की, लेकिन सिर्फ उसी पोस्ट पे क्यों रहना है, आगे बढ़िए ना। यू आर वेरी लकी कि आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और आपके हस्बैंड आपको आपका इतना साथ दे रहे हैं कि बाहर जाओ जॉब करो। कितनी सारी लेडीज हमारे समाज में है जो इतनी पढ़ी लिखी है, एमबीए किया हुआ है, घर बैठी हुई है, मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, घर में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि या तो उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फिर मदर इन लॉ फादर इन लॉ बीमार है तो उन्हें अकेले बच्चे को संभालना पड़ रहा है, या फिर बच्चे बड़े भी हो गए हैं लेकिन घर से सपोर्ट नहीं है। और कई बार तो ये भी होता है बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर से भी सपोर्ट है, तो फीमेल खुद से हिम्मत नहीं करती, अंदर से डरी हुई है कि नहीं अब इतना गैप आ गया, अब मैं जॉब नहीं करूंगी। तो यू आर लकी ना, तुम्हारे पास बहुत सारा साहस है, आप बहुत आगे हो कि आप जॉब कर रही हो, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी कंपनी में जा रही हो, अच्छी पीआरशिप है आपके आप पास, तो आप आगे बढ़िए। सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत है जो मैं आज आपको दे रही हूं, आप उस चीज को समझिए। सिर्फ मैं अपनी यहां पर प्रेज नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं आप मोटिवेटेड रहिए, आगे बढ़िए। अपने करियर ऑप्शन में आप ये देखिए, मेरी जॉब इस टाइम ये है, इस पे और क्या करियर ऑप्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है 5 साल 10 साल तक एक ही पोस्ट पर रहना, आप आगे बढ़ सकती हो, आप आगे बहुत कुछ कर सकती हो। और वहीं दूसरी तरफ मैं होम मेकर जो घर में रहने वाली गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको ये बात बताना चाहती हूं, जो लेडीज आपके कॉन्टेक्ट में हैं, जो कि बाहर जॉब करती हैं, या किसी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं, या बिजनेस वूमेन है, उनके साथ अपना संपर्क बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक वर्किंग लेडी नहीं है, वर्किंग क्या होता है सबसे पहली बात तो यह है, वर्किंग क्या होता है,
कभी दस लेडीज इकट्ठी खड़ी हो तो क्या हो जाए, आप वर्किंग है अच्छा और आई एम होम मेकर, सॉरी आप वर्किंग है और आई एम द होम मेकर, व्हाट डू यू मीन, वो भी वर्किंग है और आप भी वर्किंग है, आप कोई घर में अकेले नहीं बैठी रहती या घर में कोई खाली नहीं हो, आप भी वर्किंग हो, सारा दिन काम करती हो घर का, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, वो वर्किंग है किसी कंपनी में किसी कार्यस्थल पर जिसे सैलरी मिलती है, आप वर्किंग हो अपने घर पर लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती, बस इतना सा फर्क है, लेकिन वर्किंग दोनों लेडी है, चाहे वो होम मेकर है या फिर वो किसी कार्यस्थल पर ऑफिस में या फिर ऑन बिजनेस है, वर्किंग दोनों लेडी है, सिर्फ एक सोच का और एक नजरिया आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दोनों लेडी वर्किंग है, आप इस चीज को समझिए। और दूसरी चीज मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो लेडीज जॉब कर रही है या उसका अपना खुद का बिजनेस है या फिर कोई एनजीओ है उसका, या फिर आज मेरे बाल ना बहुत अजीब से लग रहे हैं क्योंकि आज मैंने सिर धोया और वो सेट ही नहीं हो रहे हैं, और सीरियसली मैं कोई सीरम विरम सीरियसली यूज नहीं करती, मैं थोड़ा सा नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। खैर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लेडीज किसी कार्यस्थल पर या जिसका कोई एनजीओ है या किसी बैंक में काम करती है या कोई एचआर है, तो बिलीव मी यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और आपके पास तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, प्लीज प्लीज आगे बढ़िए, अपना ऑप्शन देखिए, मेरे करियर में और ऑप्शन क्या है, मैं और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हो। आप जब भी, आपने ये देखा है कि जब भी कोई डेटा इकट्ठा किया जाता है कि भारत देश में कितनी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, तो आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम उस संख्या में आता है, तो इसलिए आपका नाम आएगा तो कितना अच्छा होगा। और कभी, हालांकि जहां तक मुझे मालूम है, ये काम नाम कभी डिस्प्ले नहीं होता, कहीं दिखता नहीं है कि हाँ इसका नाम डिस्प्ले हुआ, उसका नाम डिस्प्ले हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेटा आगे आता ही है, एक चीज आगे आती ही है, और वो चीज कभी डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन हाँ जब भी ये चीज न्यूज में या हमें कहीं और से सुनने को मिलती है कि इतने परसेंट लेडीज वर्किंग हैं, वर्किंग इन द सेंस जॉब कर रही हैं, किसी कार्यस्थल पर जाती हैं, तो हमें अंदर ही अंदर फील होता है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एनी ऑफिस। ओके, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे बढ़िए, आगे कुछ करिए, और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। और दूसरी चीज, जो लेडी वर्किंग नहीं है किसी कार्यस्थल पर या फिर किसी बैंक में या बहुत सारी चीजें हैं, कहीं पे भी जाकर वो अपना वर्क नहीं करती, वो अपना वर्क सिर्फ घर पर कर रही है, तो आप होम मिनिस्टर हो, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी पोस्ट आपके हाथ में है कि आप मिनिस्टर हो। कई लेडीज ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि सारिका मैम आप हमें मिनिस्टर बोलती हो, मिनिस्टर के हाथ में तो बहुत सारी पावर होती है, बट हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हम तो सिर्फ बस खाना बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं, और मेहमान आ जाते हैं उनको देखते हैं, और हम अपनी कोई राय रखें तो शायद ही या मुश्किल से इक्का दुक्का कोई मान ली जाती है, और हमें तो याद भी नहीं आता कि कोई हमारी बात सुनता भी है। आपकी बात हर कोई सुनेगा, आपकी बात हर कोई मानेगा, आप मिनिस्टर हो घर की, इस बात को आप बोलिए मत, आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ इतना ख्याल रखिए अपने परिवार का, इतनी केयर कीजिए, कुछ अपने थॉट्स ऐसे क्रिएट कीजिए, आप न्यूज देखिए, न्यूज में भागीदारी दिखाइए। औरतों में हमेशा क्या होता है, बस रोटी बनाई, बच्चों की केयर करी, और बस गर्म कपड़े निकाले, सर्दी के कपड़े निकाले, कपड़े धोए, ये काम नहीं है आपका, मैं ये नहीं कह रही कि ये काम नहीं है, ये काम भी है, ये काम की तो प्रायोरिटी है, चाहे वो जॉब करने वाली लेडी के लिए है या फिर वो घर में रहने वाली लेडी के लिए, इस जॉब की प्रायोरिटी है, लेकिन इससे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी एक अच्छे नागरिक बनने की भी प्रायोरिटी है। हस्बैंड की नजरों में, अपने परिवार वालों की नजरों में आप हमेशा ये दिखाइए कि आपको भी स्टैट्स के बारे में जानकारी है। कई लेडीज इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, मतलब मैगजीन पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो,
इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में इंटरेस्ट नहीं तो पंजाबी में पढ़ो, पंजाबी में इंटरेस्ट नहीं तो और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट जगाइए और अपना इंटरेस्ट ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, मेहंदी लगाने में, पेंटिंग करने में, बैडमिंटन खेलने में, जूडो करने में, एक्सरसाइज कराने में, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं लेडीज के लिए, बहुत सारे इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। तो वर्किंग लेडीज इस चीज पर जोर दें कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, प्लीज देश को आगे बढ़ाइए। देश को आगे बढ़ाने का ठेका सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ने नहीं लिया, जेंट्स आपकी वजह से हैं। और आप अपने आप को मजबूत करो, दृढ़ निश्चय बनाओ और ये सोचो कि मुझे अपने करियर में आगे क्या करना है। बहुत कुछ कर सकती हैं आप, बिलीव मी बहुत कुछ कर सकती हैं आप। आज फोन में भी प्रॉब्लम है, नेट की भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज संडे है, बहुत सारे काम हैं, तो प्लीज मुझे ये बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी और वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।